बल्दियाती इंतखाबात की तो कराची समेत सिंध के 14 अजला में जिमनी इंतखाब तमाम हलकों के गैर हतमी और गैर सरकारी नतायज मुकम्मल हो गए। तीर ने एक बार फिर सबको पीछे छोड़ दिया। पीपल्स पार्टी ने 21 में से 17 नशस्तें अपने नाम कर ली। जमात इस्लामी 2 पीछे और आजाद उम्मीदवार 1-1 सीट पर कामयाब हुए। मैदान मारने पर जियालों का खूब जश्न, ढोल की थाप पर भंगड़े भी डाले गए। कराची समेत सिंध के 14 अजला में जिमनी इंतखाब हुआ। दिन के 14 अजला में जिमनी इंतखाब तमाम हलकों के नतायज मुकम्मल। जिमनी बल्दियाती इलेक्शन में पीपल्स पार्टी ने सबसे ज्यादा नशिस्तें हासिल की। जीत की खुशी में मुख्तलिफ शहरों में कारकुनान का जश्न, भंगड़े डाले ढोल की थाप पर रक्स किया। कराची समेत सिंध के 14 अजला में 21 नशिस्तों पर जिमनी बल्दियाती इंतखाबात का मरहला मुकम्मल हो गया। कहीं गहमा गहमी रही तो कहीं बल्दियाती नशिस्तों पर टर्नआउट बहुत कम रहा। सिंध में 21 नशिस्तों पर 104 उम्मीदवारों में मुकाबला हुआ। कराची समेत 17 नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी कामयाब हुई। तहरीक इंसाफ को 1, जमात इस्लामी को 2 नशिस्तें मिली। 1 बल्दियाती नशिस्त पर आजाद उम्मीदवार कामयाब हुए। सिंध के मुख्तलिफ शहरों जामशोरो, शहीद बेनजीराबाद, टंडो आदम, टंडो अलायार और खैरपुर समेत मुख्तलिफ बल्दियाती नशिस्तों पर पीपल्स पार्टी के कारकुनान कामयाब रहे। कामयाबी के बाद पीपल्स पार्टी के जियालों ने जश्न मनाना शुरू कर दिया। जिमनी बल्दियाती इंतखाबात के लिए पोलिंग सुबह 8 बजे शुरू हुई जो शाम 5 बजे तक बगैर किसी वक्फे के जारी रही। कराची के 5 अजला मनीर की माड़ी